श्रीनगर में 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित चुनाव रैली से पहले शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शुक्रवार को उड़ी, त्राल, सौरा और शोपिया में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर पूरी घाटी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। श्रीनगर की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर नाकाबंदी कर दी गई है और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे और यहाँ भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग आज घाटी पहुंचे और उन्होंने आतंकी हमलों के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने सेना के अफसरों के साथ सुरक्षा हालात पर समीक्षा बैठक की और आतंकी हमले में शहीद हुए 11 जवानों को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में 4 अलग अलग जगहों पर हुए आतंकी हमलों में 11 सुरक्षाकर्मी और 8 आतंकियों समेत 21 लोग मारे गए थे। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।